साथियों, महाराष्ट्र का विकास ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज मेक इन इंडिया का लाभ महाराष्ट्र को हो रहा है, आज आत्मनिर्भर भारत अभियान का लाभ महाराष्ट्र को हो रहा है, आज भारत की प्रगति में हमारा महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र विरोधी दलों ने आपके विकास पर, आपकी भलाई पर हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश की। मैं आज आपको इसका एक और उदाहरण देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इस ये योजना इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे थे। 2014 में आप सबने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया। 2016 में जब हमारे साथी देवेंद्र जी की सरकार आई, तब इस पर उन्होंने गंभीरता से काम शुरू करवाया। 2020 में यहां पोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और 2.5 साल तक फिर यहां कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिर किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनको महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिले, इसे इतराज था? पहले की उन सरकारों ने क्यों इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये बात महाराष्ट्र की जनता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि कुछ लोग महाराष्ट्र को पीछे रखना चाहते हैं, जबकि हमारे एनडीए की सरकार, यहां हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र को देश में सबसे आगे ले जाना चाहती है।